ठंड के मौसम में होंठ फटने की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों के होंठ फट जाते हैं या फिर एड़ी फटता है जिसको बिवाई कहते हैं, उसके साथ ही त्वचा वगैरह में रुक्षता आ जाती है। तो ठंड के दिनों में यह समस्याएं काफी बढ़ती है और यह काफी ज्यादा जो है सो कष्टदायक हो जाता है। कई बार जो है सो होंठ फटने से या फिर एड़ी फटने से उसे रक्त स्राव होने लगता है, ब्लड आने लगता है, या फिर उसमें दर्द जो है सो होने लगता है, जिस कारण लोगों को जैसे होंठ अगर फट गया तो फिर उसमें जो है सो परेशानी होती है, खाने पीने में भी परेशानी होती है, और बिवाई जो हो जाता है, पैर जो फट जाता है, तो उसमें फिर लोगों को जो है सो चलने फिरने में भी परेशानी होती है। और बिवाई जो फटता है उसमें एक समस्या क्या होती है, जो खासकर अगर कोई डायबिटीज के पेशेंट है तो उनको जो है सो परेशानी बढ़ने की संभावना रहती है। तो ठंड के दिनों में एक्चुअली होता क्या है, जो मौसम में रुक्षता रहती है, इस कारण से जो है सो वात जो है सो प्रकोपित होता है। वात प्रकोपित होने के कारण ही शरीर में रुक्षता आ जाती है, रैनेस आ जाता है, जिस कारण से होंठ फटता है और एड़ी भी जो है सो फटता है। तो यह समस्या जो होती है उस समस्या का जो है सो एक बहुत ही साधारण उपाय है, जिसको अगर नियमित रूप से अगर किया जाए तो होंठ फटने की समस्या जो है सो वह दूर हो जाएगी। और इसके साथ ही बिवाई भी जो है सो काफी पुराना अगर बिवाई है, पैर फटता है, एड़ी फटता है, तो वह भी जो है सो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसमें जो है सो ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक जो है सो होता है क्या, जो आयुर्वेद में जो है सो नाभि पूरण का वर्णन किया गया है। नाभि पूरण में होता है क्या, जो हमें जो है सो जो नाभि होता है, पेट का जो नाभि का जो पोर्शन होता है, उसमें जो है सो तेल डालने की जो है सो एक परंपरा, एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था से जो है सो होंठ का फटना, त्वचा का ड्राइनेस होना, सूखा हो जाना, रूखा हो जाना और पैर का फटना, ये सारी जो है सो समस्याएं दूर हो जाएगी। नाभि पूरण में करते क्या है, जो रात में सोने से पहले और खाना खाने के आधा घंटा के बाद सोने से पहले पीठ के बल लेट जाना है, और पीठ के बल लेट कर शुद्ध सरसों तेल, जो प्योर जो सरसों तेल जो है उपलब्ध होता है, या आपका बनाया हुआ हो या फिर मार्केट में जो उपलब्ध हो, उस शुद्ध सरसों तेल को हल्का गुनगुना करके दो चार बूंद सरसों तेल को नाभि में भर लेना है, पीठ के बल लेट जाना है, उसमें जो है सो दो चार बूंद सरसों का गुनगुना सरसों का तेल नाभि में डाल देना है और 3 से 5 मिनट तक इसी अवस्था में रहना है। वह नाभि में जो है सो तेल जो है सो कुछ अंश जो है सो उसका एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद जब आप नाभि में तेल डाल देते हैं, उसके जो है सो 3 से 5 मिनट के बाद हल्के हाथों से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में उसको जो है सो पेट पर जो है सो हाथ को चलाना है। इस प्रकार धीरे धीरे जब हाथ को चलाएंगे ना पेट पर, तो वह जो है सो तेल जो है सो वो शरीर में लगेगा, पेट में जो है सो और नाभि में जो है सो। बाकी यह प्रक्रिया को जो है सो 3 से 5 मिनट तक करना है। उसके बाद अतिरिक्त जो तेल है उसको जो है सो सूती कपड़ा से पोंछ करके हटा देना है और सो जाना है। यह प्रक्रिया अगर जो है सो 2 से 3 दिन किया जाए तो आपका होंठ फटना जो है सो वह बंद हो जाएगा। इसके साथ ही एड़ी फटना भी जो है सो ठीक हो जाएगा। अगर किन्हीं को यह समस्या पुराना है तो उन्हें जो है सो 1 सप्ताह 15 दिन यह अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। इससे पैर का फटना और होंठों का फटना, इसके साथ ही त्वचा में जो रूखापन आ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है, बाल में डैंड्रफ जो बनता है, वह भी इससे जो है सो ठीक हो जाएगा।